एक साल से लहू बहाने का रोग था। मैंने दिन भर में 4-5 कपड़े खराब हो जाते थे, तब मैंने डॉक्टर भी 4-5 चेंज किए, और डॉक्टर ने मैंने इंट्रासाउंड किया और टीसी भी कराई। उनने कही कि तुम्हारे रसोली है लहू बहाने वाली। और जब भी पीरियड आते थे तो कितने दिन तक ब्लीडिंग होती रहती मेरी थी? ब्लीडिंग होती 15 दिन हो जाते, 20 दिन हो जाते थे। और इस रोग के कारण आप घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, कैसे नहीं, हालात थे उस समय? बहुत खराब है। मैं तो बिल्कुल बेड पे आ चुकी थी। घर का काम कौन करता था? मेरे हस्बैंड, और जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने स्कैन किया तो क्या कहा उन्होंने? उनने बोला था कि आपका ऑपरेशन होगा। क्यों क्यों ऑपरेशन करना चाहते थे? बिना जो कही आपके रसोली है। डॉक्टर ने कहा रिसौली है, आपके हाँ यूट्रस में रिसौली होने के कारण आपको ये ब्लीडिंग इतनी हो रही है। हाँ और आपने दवाइयां खाई, मेडिसिन खाई, खाई थी। कोई आराम नहीं था। नहीं, कितने डॉक्टर बदले आपने? 4-5 डॉक्टर बदले थे। ये ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी, दर्द बहुत ज्यादा होती थी, यस, और जिसके कारण आप कमजोर और वीक हो चुके थे, बिल्कुल हो चुके बेड थे, पर रहते थे। बेड पे ही। और कैसी कंडीशन थी उस समय आपकी? उस बहुत ही खराब थी, मुझ पे कुछ भी नहीं होता था। ब्लड, जो बॉडी थी कमजोर हो गई, ब्लड भी कमजोर बहुत होती, कम रह गया बहुत था। कम, 3-4 ग्राम रह गया था बस। आपका खुद का जो ब्लड था वो इतना कम हो चुका था कि आप चल भी नहीं पाते थे, नहीं, चक्कर आते थे, बहुत यस, परेशान थे, चलना फिरना उठना बैठना परेशानी थी है। यस, और फिर आपको बहन उस समय चर्च के बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब के द्वारा, यूट्यूब पे तो आपने खामरा चर्च की मीटिंग को देखा, यस, और कैसा लगा पहले बार मीटिंग को मुझे देखे? बहुत अच्छा लगा था, और आपने फिर लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, यस, देखना शुरू किया। यस, और उसके ये जैसे मीटिंग को देखते थे, इन्होंने गवाहियां देखी, वचन को सुना, इन्हें बहुत अच्छा लगा। कहते मेरे मन में आया कि परमेश्वर, अगर ये लोग हील हो सकते हैं, मुझे भी आप चंगा करेंगे। और आप उसके बाद लगातार चर्च के साथ जुड़ गए। जुड़े रहे। 16 मार्च 2023 को ये बहन पहली बार, आप उस दिन पहली बार चर्च में आए पहली थे। बार आई थी और ब्लीडिंग भी हो रही थी। उस दिन भी आपके बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। यस 16 मार्च 2023 को जब ये बहन चर्च में आए पहली बार, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। बहनों की रसौलियों को गायब होते हुए, सारी रसौलियां और सारे ट्यूमर्स गायब हो राइट नाउ इन जीसस ने। आपकी रसौलियां ट्यूमर्स राइट नाउ खुदाबंद की दया से गायब हो जाएं इन जीसस नेम, चंगे हो जाओ, आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है बहन। जैसे आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, उस दिन पहली बार आप चर्च में आए थे, यस, क्या हुआ? मेरे शरीर में बहुत गर्माहट आई थी और मैं सुबह से शाम तक रोने लगी थी। 4 बजे तक रोई थी, 10 बजे से चालू रोना हुआ था और 4 बजे तक रोई थी। क्यों रो रहे थे आप? मुझे को नहीं पता क्यों रो रही थी। आप जब सुबह आए तो ब्लीडिंग हो रही थी, दर्द हो रही थी, हाँ, और जब आप चर्च में आए उस दिन भी बहुत दुखी और परेशान थे आप। यस। प्रार्थना के बाद क्या हुआ फिर? फिर मेरे शरीर में गर्माहट आई थी, ऑयल लगाया, उसी पर जड़ बंद हो गया। ऑयल लगाया, प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय चर्च में आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई। यस। और उसके बाद आपने चेक करवाया? यस। क्या कहा डॉक्टरों ने? नॉर्मल। डॉक्टरों ने जो आपने दोबारा स्कैन कराई, वो स्कैन नॉर्मल थी। Yes. जो रसौली थी वो उस दिन से गायब हो चुकी है। यस। ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। कैंसल। कोई दवाई नहीं खाते आप? नहीं। उस दिन से बिल्कुल ठीक है। Yes. घर का काम कर पाते हैं। Yes. सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, सब सब चर्च, सब कलीसिया हाथों को उठाते हुए।